देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए हादसे में भागलपुर के एक ही परिवार के बच्ची समेत 6 लोग फंसे हुए थे। यह सभी 3 नंबर ट्रॉली में सबसे ऊंचाई पर थे। आज सब परिवार सकुशल वापस लौटे हैं। परिवार के मुखिया कौशल्या देवी ने दर्द बयां करते हुए बताया कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर थे, 24 घंटे तक वो फंसे रहे। उम्मीद छोड़ दी थी कि वे घर वापस भी जा पाएंगे, लेकिन सेना के जवानों के आने के बाद कल करीब वापस लौटे। सभी के निकलने के बाद आग वाली ट्रॉली से एक लड़का गिर गया था। उन्होंने कहा, सरकार अगर व्यवस्था नहीं कर सकती है तो इस तरह ट्रॉली चलाने से क्या फायदा है, अब कभी नहीं जाएंगे। उन लोगों ने कहा कि हम सैनिकों के शुक्रगुजार हैं। बच्ची अनन्या ने बताया कि फंसने के बाद कुछ नहीं मिला, प्यासे थे, लग रहा था नीचे गिर जाएंगे, लेकिन सेना के जवानों ने वापस लाया। वहीं सकुशल घर आने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। तो फिर हम लोग 4 बजे से लटके रहे 24 घंटा तक, नहीं को 4 बजे परसों, हाँ परसों 4 बजे, ठीक 4 बजे को, उसी में हम लटके रहे। पानी नहीं, खाना कुछ के व्यवस्था नहीं, कोई साधने नहीं था, तो मर के जिंदगी मौत से लड़के। ऊपर कितना ऊंचाई पर सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पर हम ही थे, सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में उठी एक लेडीज, 3 गो उसमें, और उसके बाद टोली में हम ही थे, 3 नंबर टोली में हम ही थे, ऊपर में सबसे ऊपर में। कितने घंटे तक रहे थे? 24 घंटा, 24 घंटा बिना पानी लेट्रिन टॉयलेट बाथरूम के 24 घंटा तक उसमें जिंदगी मौत से लड़ते रहे। रात में लग रहा था कि लौट पाएंगे आप लोग? नहीं, लग तो नहीं रहा था। सेना के आने के बाद लगा, जब 1-2 टोली से निकाला तब।